ये पेंशन की सुविधा हर महीने उन परिवारों को उपलब्ध होती है जिसमें से 31 लाख से अधिक तो केवल निराश्रित महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,75,00,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें आधार से लिंक करें जिससे हम उन्हें फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दीपावली के पहले पहले भी एक एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। हम शासन से आदेश कर चुके हैं, ये कार्रवाई केवल आगे बढ़नी, आधार से लिंक होते ही हम पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भी भेजने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने 55,00,000 लोगों को एक एक आवास भी उपलब्ध कराया है। आप देख रहे होंगे जो संख्या में बोल रहा हूं, ये 55,00,000 है, और 66,00,000 परिवार ऐसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था कि व्यक्ति ग्राम सभा के भूमि पर अपना घर बना लेता था, अगर मकान कभी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया और परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, गांव में दबंग लोग फिर आवास नहीं बनाने देते थे। अब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से 66,00,000 परिवारों को अब तक जहां पे उनका घर है वहीं का मालिकाना का अधिकार भी उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें अधिकतर महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है, अन्य ऐसी अनेक योजनाएं पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना अभियान का हो, ये जितने कार्यक्रम हैं ये लगातार चले हैं। तो वेलफेयर की भी अनेक स्कीम चली, स्नातक तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो, या फिर भ्रूण परीक्षण के नाम पर जो बेटियों की के साथ भेदभाव होता था, आज बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 15,000 रुपये की सहायता एक पैकेज के रूप में हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी को दे रहे हैं। तो बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 51,000 रुपये की सहायता भी प्रदेश में 3,00,000 गरीब बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत संपन्न हुई है। यानी ये अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने ये अभियान आगे बढ़ाया। तो स्वावलंबन के भी अनेक कार्यक्रम हुए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमारा कार्यक्रम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ज्यादातर लाभार्थी और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। यह मॉडल प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने में इसने मदद की। आपने देखा होगा हमने उन्हें टेक्नोलॉजी से डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केटिंग के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में प्रस्तुत करने में मदद की। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी परंपरागत उत्पाद को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। लगातार इस दिशा में एक नए प्रयास प्रारंभ हुए, सरकारी नौकरियां हो या फिर अन्य क्षेत्र में भी हम लोगों ने पहले बहुत सारे निर्णय इस प्रकार के किए। जैसे गांव में राशन कोटे की दुकान का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी, हम लोगों ने कहा जहां विवाद हो महिला स्वयंसेवी समूह को वहां दे दो, सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग में पहले जो पंजीरी दी जाती थी, पोषाहार दिया जाता था, शिकायतें आती थी, हम लोगों ने उसको महिला स्वयंसेवी समूह को उपलब्ध कराया कि महिला स्वयंसेवी समूह इसका संचालन करे। आज लगभग ज्यादातर विकास खंडों में उनके प्लांट लग चुके हैं और उनके द्वारा वहीं पे उसकी क्वालिटी भी चेकिंग हो रही है, उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, उसकी सप्लाई भी हो रही है, टेक होम राशन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है।
अन्य अनेक ऐसे कदम उठाए गए जो उनके स्वावलंबन के आधार भी बनते हैं, और जो आधार हैं उनमें से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा प्रयास सरकार के स्तर पर हो जाए। जो मैंने पहले भी कहा, बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी उसका एक उदाहरण हो सकता है। आज लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, गांव की बैंक से लेन देन के सारे कार्यक्रमों को आगे कर रही हैं, और हर बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी, भले ही लोग ये कह सकते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं होंगी, कोई हाई स्कूल पास है कोई इंटरमीडिएट पास है, लेकिन उन्होंने अपने कार्य कुशलता के माध्यम से बैंक की कमी को गांवों में दूर किया और स्वयं अपने आप भी स्वावलंबन की एक प्रतिमूर्ति बनी। आज हर एक बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी 25,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक कमा रही हैं हर महीने। अब उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। यह एक नया मॉडल देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने फिर यहां से भी दिया है। और इसके अलावा अन्य अनेक कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं, जैसे प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर का मैंने एक कार्यक्रम बताया, एक अभियान बताया था, जितनी महिलाएं वहां पर, अब भले ही अब 40,000 की उनकी संख्या हो गई, लेकिन शुरुआत में जो भी थी, कोई तीसरी पास, कोई पांचवी पास, कोई सातवीं आठवीं पास, और उन्होंने अपने आप ही, सरकार ने उन्हें कुछ दिनों तक सपोर्ट किया। आज उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ का है और लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट है उनका। इन सभी महिलाओं के द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं, और मुझे लगता है कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, हर एक जगह इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। उस अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं इसमें सहायक कैसे हो सकती हैं? सुरक्षा के लिए हमारी महिला बीट पुलिस अधिकारी हर गांव और हर वार्ड में जाएंगे, उनके कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगा रहा है तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कल से प्रारंभ होगी पूरे प्रदेश भर में। और हर थाने को मैंने इस बारे में कहा है, हर थाने से मेरे पास कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम वहां पे जवाबदेही तय करवाएंगे उनकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राह चलती हुई किसी बहन, किसी बेटी या किसी नारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो वहीं पे उससे निपटने की आवश्यकता, बहुत सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम, सुरक्षा का एहसास, वह घरेलू हिंसा हो या सार्वजनिक हिंसा हो, इन दोनों के प्रति अवेयरनेस के लिए भी हमारे कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके स्वावलंबन में कहां कहां सहायक हो सकती हैं, इसके कार्यक्रम भी हर एक स्तर पर कल से प्रारंभ होंगे। इसकी शासन स्तर से निरंतर समीक्षा भी होगी, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होगा, और इसे हम प्रभावी ढंग से सफलता की ओर अगर लेकर के चलेंगे तो आप देखना कि एक अच्छा मॉडल, जैसे मिशन शक्ति का अभियान आज भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है, पूरे देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित या अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा, अभी हाल ही में भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम को पारित करके एक बार फिर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब भी अपने स्तर पर प्रयास करें, पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आज प्रदेश भर में लाइव हो रहा है, और प्रदेश भर में हर एक जगह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले, अलग अलग फील्ड में जिन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, जैसे यहां पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई भारतीय नारी की गरिमा को अभिवृद्धि करने के लिए 3 बहनों को सम्मानित किया गया, एक उत्तर प्रदेश से ही है, एक साउथ से आकर के उन्होंने उत्तर भारत में अपनी सफलता का झंडा गाड़ा, और एक सुदूर पूर्वी क्षेत्र में कार्य करते हुए सफलता की एक नई कहानी वहां पे
रचती जा रही हैं। इन तीनों को यहाँ सम्मानित किया, ऐसे उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में ऐसी बेटियों को बहनों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम हर जनपद में भी आज आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर अपने अपने क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर इन सभी बेटियों को बहनों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शारदीय नवरात्रि का यह कार्यक्रम हम लोग जिन तीन देवियों के रूपों को अलग अलग 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते हैं, वह साक्षात रूप से समाज की उस प्रतीक के रूप में हम आगे उन्हें आगे बढ़ाएं जो समाज में एक नई प्रेरणा बन सकती हैं, आधी आबादी को सम्मान के साथ एक सुरक्षित माहौल में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा सकती हैं। यह समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, शासन की भी जिम्मेदारी बनती है और शासन उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे और केवल नवरात्रि तक ही नहीं होंगे, ये निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए, हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, रूटीन के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए। इस दिशा से हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर अपना अमूल्य समय देने के लिए इसरो की वैज्ञानिक श्रीमती ऋतु करधन श्रीवास्तव जी का, श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी का, श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया जी का, प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इन सब की सफलता प्रदेश की हमारी बेटियों को बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इन सब के प्रति मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी को। मंचासीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, सम्मानित मंत्री महोदया, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन महोदय, प्रमुख सचिव गृह, मंच पे आसीन श्रीमती रोशन नाडार जी, श्रीमती हेमो प्रभा जी, श्रीमती ऋतु करघाल जी, वीणा कुमारी प्रमुख सचिव महिला कल्याण जी, IDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के शुभारंभ अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां उपस्थित पाकर हम सभी अभिभूत हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला पुलिस कर्मियों की वाहन रैली को राजधानी लखनऊ में फ्लैग ऑफ किया। इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिला सशक्तिकरण जन जागरण रैली का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अत्यंत कृतार्थ हूँ तथा इस कार्यक्रम हेतु आपकी उपस्थिति व बहुमूल्य समय देने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभावों, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट के सम्मानित मीडिया बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के सुचारू एवं भव्य आयोजन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन भी धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः यह विश्वास दिलाते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से हम सभी इस अभियान के उद्देश्य व मूल भावना को जमीनी स्तर पर चरितार्थ कर पाने में सफल होंगे, इस अपेक्षा और निवेदन के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय व समस्त सम्मानित आगंतुक अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि सभागार में जाकर स्थान ग्रहण करें, जिससे सबके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। मंचीय आयोजन अब संपन्न हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मिशन शक्ति के